नशे के कारोबारी अब उत्तराखंड में भी अपने पैर पसार रहे हैं। बड़ी मात्रा में नशा कारोबारी उत्तराखंड के युवाओं को नशे की लत लगाते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर पुलिस भी उत्तराखंड को नशे के स्मगलों के चंगुल से बचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। नशे के काले कारोबार और नशे की दुनिया में डूब रही जवानी के लिए अब तक पंजाब ही बदनाम था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है, जहां गंगा यमुना की उत्पत्ति होती है, जहां से अध्यात्म और शास्त्र ज्ञान की गंगा बहाते हैं, अब वही उत्तराखंड नशे का शिकार हो रहा है। उत्तराखंड की शांत वादियों में नशे के कारोबारियों ने अपना मकर जाल फैला दिया है, जो लगातार युवा पीढ़ियों को नशे की लत लगाकर उत्तराखंड के भविष्य को अंधकार में धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रदेश की सरकार के आदेशों पर मित्र पुलिस भी नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है, जिसमें लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। उधम सिंह नगर के कुंडा थाने में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी मात्रा में प्रतिवेदन नशीले इंजेक्शनों के साथ दो युवकों को न्यायिक हिरासत में भेजा। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम के द्वारा, जो कुंडा चौकी प्रभारी थाना प्रभारी के द्वारा रेड किया गया और सूचना बिल्कुल सही मिली। इनके कब्जे से 510 नशीले इंजेक्शन, जिसमें डाइजेपाम है और प्रेनॉर्फिन है और बोप्रेमाइन प्यूबाइन भी है, जो कि नशीले इंजेक्शन है, इनका जो है इनको मिक्स करके ये नशे करने वाले लोगों को बेचते हैं, जो लोग नशा करते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। एसपी सिटी का कहना है कि युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेलने वाले कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, लेकिन नशे के आंखों से उत्तराखंड को बचाने के लिए पुलिस अभी भी नाकाम है। नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, और जैसे कि पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी जो ये नशा है इसको रोकने के लिए प्राथमिकता के तौर पर इसको रखा गया है, तो लगातार इसमें निर्देश भी मिलते रहते हैं और जारी किए जाते हैं। तो इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा निगरानी की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। नशे के काला साया पिछले कुछ सालों में ही उत्तराखंड के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन हालात बद से बदतर है, जिसे देखते हुए पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस के हाथों में छोटी मछलियां तो लग रही हैं, लेकिन नशे के कारोबार के सिंडिकेट को चलाने वाले बड़े मगरमच्छ अभी भी पुलिस की पकड़ से काफी दूर हैं। अब देखना होगा पुलिस कब तक नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार करती है। अजहर मलिक, काशीपुर, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।